अब मुझे देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? गायत्री, तुम्हारी वो वाली थ्योरी बकवास है। 2 साल तक टापू पर रहो और वो कौन सी पहली व्यक्ति है जिसका चेहरा देखने के लिए मैं तरस रहा हूँ, ये थ्योरी पूरी बकवास है। देखो अभिषेक, वो तो मैंने बस तुम्हें हेल्प करने की। गायत्री, मैं अभी मंदिर गया था और मंदिर में मैंने खुद से पूछा कि अगर टापू पे 2 साल अकेले रहने की नौबत आए तो क्या मैं रह पाऊंगा। मेरे दिल ने कहा कि क्या अकेले क्यों गुजारने पड़ेंगे 2 साल, गायत्री तो होगी ना तुम्हारे साथ, क्योंकि अब तो मेरी हर सुबह गायत्री का चेहरा देखकर शुरू होती है और शाम ढलती है तो गायत्री को देख देख के। लेकिन अभिषेक, ये महज फिजिकल आकर्षण भी तो नहीं। गायत्री, अगर ये आकर्षण होता तो अब तक मैंने तुम्हें छूकर या गले लगाकर या किसी और तरह से यह बात बयां कर दी होती। लेकिन एक बात सच है गायत्री, गलती से भी तुम्हारा हाथ मुझे छू जाए ना तो बिजली का करंट लगता है मेरे रूम रूम में। जब तुम्हारी हंसी मुझे छूती है या तुम्हारी ये प्यार भरी नजरें मुझे छूती है या तुम्हारी आत्मा मेरे दिल को छूने आती है ना तो पूरा समुद्र एक लहर बन के मुझे भिगो देता है। और अगर यह एहसास प्यार नहीं है तो दुनिया में किसी को किसी से प्यार नहीं है, और यही सच है गायत्री। हाँ, आपने आपने बताया अन्ना को, बताया वो महेंद्र भाव के बारे में? हाँ बताया। हाँ, और गाली भी खाई। देखो केशव, अब से मैं तुम्हारे कहने पर अन्ना साहब को महेंद्र भाव के खिलाफ नहीं भड़काऊंगा। बस देखो, नहीं भड़काऊंगा क्या, नहीं भड़काऊंगा। 3,000 रोकड़े दिए मैंने आपको और वो अलग अलग बाकरवड़ी के पैकेट भी दिए झूठ मूठ की भविष्यवाणी करने के बदले में। डील भूल गए क्या? अन्ना आपको बहुत मानते हैं और ये महेंद्र भाव को छोटे भाव छोटे भाव छोटे भाव छोटे भाव कह कह के ये हमारे धंधे की वाट लगाने पे तुले हुए हैं। आपको ये बोलना है कि महेंद्र भाव की कुंडली अन्ना की कुंडली के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अरे पर ये मैं 3,000 रोकड़े दूंगा मैं, पर 1/2 किलो बाकरवड़ी फ्री। लेकिन अन्ना साहब को शक हो गया तो? वो तो होगा ही, ऐसे थोड़ी बोलेंगे आप कुछ। आप अमोल को देख के ये बोलना। कौन कौन है अमोल? अरे थामा ना, दाखो तो ना, ये देखिए, ये अमोल है। इसको देख के आप बोलना कि इसकी पत्नी भाग गई है और वो वापस ना आए, वही बेहतर होगा। हाँ पर मैं आपको तरह तरह की मिठाइयां देता रहूंगा और आप वो हिसाब से अलग अलग भविष्यवाणी करके फेंकते रहना अन्ना पे, तभी जाके उनका जो महेंद्र भाव पे विश्वास है ना वो दूर होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल याद है तुम्हारी डील। हाँ पर केशव, तुम्हारे इस झूठ के चक्कर में अन्ना साहब का सचमुच का जो मेरे ऊपर भरोसा था ना, वो भी मैं खो चुका हूँ। और अब देखो, तुम्हें अगर अन्ना साहब और महेंद्र भाव के बीच में दरार लानी है ना तो कोई और रास्ता ढूंढो, मेरा पीछा छोड़ो। राम राम। आईका आईका, ओ ओ सहस्त्र, अरे ओ देखा देखा, और आप ऐसे क्या बैठे हो भगवान, कोई रास्ता सुझाओ ना प्लीज। कैसे करूं, कैसे करूं अन्ना को वो छोटे भाव के खिलाफ, कैसे करूं? क्या है अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना भगवान, तो वो गुजराती आदमी हमारा धंधा ठप कर देगा। आप समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, प्लीज कोई कोई रास्ता सुझाओ फटाफट। हाँ, मैं भेजता हूँ प्रभाकर दादा को 125 का वो प्रसाद विसाद लेके मस्त। हाँ आई आई, अन्ना कहाँ है? पहले तुम मुझे बता कि गायत्री को लेकर तेरे दिल में हो गई, मेरे मन में जो दुविधा थी वो क्लियर हो गई। मैं गायत्री से बहुत प्यार करता हूँ। अगर भाई 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 भाई, तूने ये पहले क्यों नहीं बताया? निर्मिति मार खाएगी हाँ, इस इशारे का मतलब पूछा है तो। तू जोड़ दे, हिसाब में जोड़ दे। बराबर लिख लेना तू कि पहले क्यों नहीं बताया। कब गा अभिषेक बाड़ा, तूने इतनी देर क्यों कर दी बताने में? क्योंकि वो लोग तो आई आई, अरे अभिषेक किधर था, किधर था तू बाड़ा? अरे आइए आइए, बाकी का घर अभिषेक स्वतः आपको दिखा देगा। अनिमेश
प्राजक्ता आइए। अभिषेक आ गया है। आप लोगों को फोटो आईडी दिखानी होगी। मंदिर खारा होता है क्योंकि होता है उसमें नमक। दाल खारी होती है क्योंकि होता है उसमें नमक। तो दाल समंदर एक हुए, हाथी बंदर एक हुए। लिख देता हूँ। अरे ओ प्रभाकर दादा। अरे ये केशव किधर था तू? अरे वो अनिमेश भाव प्राजक्ता को लेके घर आ गए हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरा छोड़, वो सहस्त्र बुद्धे मिले तुझे? अरे सहस्त्र बुद्धे को मारिए गोली। मेरी बात सुनिए, अगर अन्ना के दिमाग में से ये महेंद्र भाव का भूत उतरवाना है ना, वो सुंदर सा रिश्ता पूरी तरह से टूटने वाला है केशव। क्योंकि भारती ने मुझे बोला कि अभिषेक को शायद गायत्री से बहुत प्यार है और अब वो अन्ना को भी बताने वाला है। क्या ये क्लियर हो गया? बोल दिया अभिषेक ने क्लियरली। प्रभाकर दादा ये तो शुभ समाचार है। महायुद्ध की वजह खड़ी हो गई, अब तो अन्ना आग बबूला होंगे ही होंगे। हाँ तभी तो अन्ना आए उससे पहले मुझे कुछ अर्जेंट काम है, ऐसा बोल के मैं घर से दूर भाग आया। अरे तो चलिए। अरे अभी अभिषेक अन्ना के दिल में जो आग लगाएगा ना अपने प्यार वाली बात बोल के, उसमें मुझे घी तो डालना पड़ेगा ना। चलिए मस्त भड़कात है। अब ये छोटे बहू जिंजाबाद वाला किस्सा खत्म हो जाएगा। आखिर में भगवान ने मेरी सुन ली, थैंक यू। अरे चलिए। अरे क्या नहीं नहीं चलिए चलिए। नमस्कार अन्ना भाई। अरे महेंद्र भाव आइए 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 या या। अनिमेश ये महेंद्र भाव हैं, मेरे छोटे भाव के जैसे है। गुजराती है ये उर्मिला बहन और ये इन दोनों की बेटी गायत्री। एक्सक्यूज मी सर, आपके कांस्टेबल हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। नहीं सर, मैं तो केवल पूछताछ कर रहा था। तो क्या थाने ले जाके पूछोगे? ये कोई क्रिमिनल है क्या? अभिषेक बेटा कितने सालों बाद देखा तुम्हें। पिछली बार जब देखा था तब छोटे से बच्चे थे तुम। थैंक यू अंकल। थैंक यू क्या बोल रहा है तू? छोटा बच्चा था ये तारीफ नहीं की उन्होंने तेरी। नहीं अंकल, ये हमें आज पहली बार मिल रहे हैं, ये जताकर इन्होंने हम दोनों को आपके गुस्से से बचाने की कोशिश की। ये थैंक यू इसलिए था, है ना अभिषेक? अरे बेटा ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? आज पहली बार तो मिला मैं। प्राजक्ता इन दोनों को आपने हमें पहली बार वहां यूनियन पार्क में देखा था, जब मैं और अभिषेक रात को एक साथ थे। फटेंगे अभी अन्ना भाई, फटेंगे। क्या क्या बोला तुमने? अन्ना भाई आपका बेटा अभिषेक और हमारी गायत्री रात को एक साथ यूनियन पार्क में बैठ के एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या क्या? हालांकि हमारी गायत्री आपके अभिषेक को कब का बता चुकी है कि वो उसे चाहती है। मैंने डाल दिया न्यूक्लियर बॉम्ब। गायत्री सॉरी प्राजक्ता, मैंने तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि अभिषेक को मेरे लिए कोई फीलिंग्स हैं भी या नहीं ये मुझे भी नहीं पता था। एक 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 मिनट एक मिनट। आप लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? हाँ गायत्री प्राजक्ता अभिषेक, अरे क्या हो क्या रहा है मुझे भी तो कोई समझाओ। अन्ना भाई हमने आपको ये सब बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि आप खामखा परेशान होते। आग बबूला होते महेंद्र, आग बबूला। हाँ मतलब आग बबूला होते ये बात सुनकर। नहीं नहीं लाल 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 होते। हाँ मतलब गुस्से से लाल लाल हो जाते आप।
नहीं 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 लाल लाल नहीं, हाथ में तलवार लेके तांडव करते तांडव। हाँ मतलब क्या क्या उर्मिला बहन, मैं क्या सचमुच हाथ में तलवार लेके यहाँ पे तांडव करता? आहो आहो मैं शांति ही हूँ देखो, लेकिन मेरी बोलती बंद हो गई है क्योंकि और मेरी भी अन्ना चला। क्या मेरी भी बोलती बंद हो गई है? हाँ हालांकि प्रभाकर दादा ने बहुत सही बोले अन्ना अभी आते आते, ये महेंद्र भाव ने अपनी बेटी गायत्री को अपने अभिषेक के साथ प्यार का चक्कर चलाने को बोला और नहीं नहीं अन्ना अन्ना मैंने कुछ बोला ही नहीं, ये तो केशव ने बोला कि हम घर पे जाके आपके सामने ये बोलेंगे। अच्छा तो एक झापट लगा इसे। बड़ा उर्मिला बड़ा बड़ा दो 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 झापट दो झापट दो नहीं दो नहीं दो नहीं चार 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 झापट चार झापट नहीं नहीं चार नहीं चार सौ चार सौ चार सौ चार सौ झापट चार सौ लगा चार सौ झापट ठीक है दे। अरे अन्ना मुझे क्यों मार खिलाई?